गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप ये डायरेक्ट नरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। आपने देखो बच्चों, चार टॉपिक पढ़ लिए हैं आपने। कौन कौन से? सिंपल पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया है, इंपेरेटिव पढ़ लिया है, कल आपकी वीडियो में आपने एक्सक्लेमेटरी वाला टॉपिक पढ़ लिया बच्चों। और आज की टॉपिक में जो शेष बचा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्ट नरेशन का, और वो रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। ओके बच्चों, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। तो बच्चों, आज के टॉपिक में, आज जो आपका पांचवा जो टॉपिक है, इसमें अपन बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनमें किस टाइप के सेंटेंस आएंगे बच्चों, ये देखो। इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो आप लिखोगे ऐसे वाक्य जिनमें कामना का मतलब होता है, आप लिखेंगे डिजायर, फिर आप लिखेंगे इच्छा, इसको कहते हैं अपन विश, और अभिशाप, उसको इंग्लिश में कहते हैं कर्स कहते हैं, और ब्लेसिंग आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का भाव व्यक्त होता है, ये बच्चों। तो बच्चों ध्यान दो, ऐसे वाक्य जिसमें आपको देखो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को समझकर रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेंटू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ यदि आपको सेंटेंस का भाव समझना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच का, कि उसमें इच्छा व्यक्त की गई है या कामना व्यक्त की गई है, या कोई अभिशाप बुरी कामना है, या आशीर्वाद स्वरूप कोई स्टेटमेंट कहा गया, बात कही गई है। तो ये ध्यान दे बच्चों। अब आपको क्या करना है, नंबर एक, दो नंबर में आपको क्या करना है, आरवी के सेड या सेड टू को, आरवी के सेड या सेड टू को आरएस के वाक्य के भाव या रूल्स लिख लो, या आप लिखेंगे रूल्स लिखेंगे। नंबर एक पहला रूल है, आरवी की सेट या सेट टू को आरएस के वाक्य की भाव के अनुसार, भाव के अनुसार यदि डिजायर किया गया है तो डिजायर्ड कर देंगे, विश किया गया है तो विश्ड कर देंगे, ठीक है, क्रश किया गया तो क्रश्ड कर देंगे, और किसी चीज की प्रार्थना वाले वाक्य भी इसमें आएंगे बच्चों। और प्रार्थना के लिए क्या करेंगे, एंड प्रे प्रार्थना की गई है तो उसके लिए प्रेड कर दो, ठीक है। मैं बदल दिया जाता है बच्चों, ध्यान दे। नंबर दो, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाकर, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाकर मे को माइट में बदल दिया जाएगा, मे को किस में बदल दिया जाएगा, माइट में बदल दिया जाएगा, ठीक है। और तीन नंबर है, आप लिखेंगे इंटरजेक्शन मार्क, यानी विश्व यादि बोधक जो चिन्ह दिया हुआ है लास्ट में, इंटरजेक्शन मार्क को हटा दिया जाता है, आप इंटरजेक्शन मार्क को हटा देंगे, आगे समझिए। अब हम नोट लगा के एक टॉपिक लिख लो,
ऐसे वाक्य प्राय में से शुरू होते हैं। ये बच्चों ध्यान दो, देखो इधर देखो, आपको क्या करना है, आप इनकी पहचान करेंगे। नंबर एक बात है, आपको किससे पता चलेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्य बच्चों रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में से प्रारंभ होगा और लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क लगा होगा। इंटरजेक्शन मार्क कौन सा, ये आपने देखा होगा, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे पढ़ा था, इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या है, देखो आप ऐसे वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आरएस के वाक्य के भाव के अनुसार डिजायर को डिजायर कर देंगे, विश को विश्ट कर देंगे, क्रश को क्रश कर देंगे और प्रार्थना की गई है तो प्रेट कर देंगे। आगे समझ में, अब कनेक्टिव वर्ड दैट लगाकर मेक को माइट में बदल देंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मे से शुरू होगा। आप जैसे कनेक्टिव वर्ड लगाओगे तो मे को आगे ले लो सब्जेक्ट के बाद, माइट में बदल दो और लास्ट में जो इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है उसको आप हटा दीजिए। समझ में आ गया, रूल्स आपने लिख लिए होंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में मेंटेन कर लें। तो देखो हम सेंटेंस की बात करेंगे बच्चों, सेंटेंस कैसे बनेंगे इसमें। तो इसमें सेंटेंस किस टाइप के आएंगे आपको सेंटेंस देखते ही पता लग जाएगा। कैसे, जैसे ये कह दिया, एग्जाम्पल के तौर पर अपन सेंटेंस की बात करें, रवि ने कहा कि मैं ही पास द बोर्ड एग्जाम। ये इंटरजेक्शन मार्क लगेगा। देखो बच्चों, रवि ने कहा कि मैं ही पास द बोर्ड एग्जाम, वह बोर्ड की परीक्षा को पास करे। तो देखो अच्छी कामना है या बुरी कामना है, समझ गए। तो ये विश किया तो इच्छा जाहिर की है उसने। तो देखो, तो आप इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे रवि सेड को कर दिया आपने विश्ट में। आगे समझे, विश्ट। अब कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दो और सब्जेक्ट लाओ पहले आप, तो ही चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, मे को आप आगे ले लो, माइट में ले लो। ठीक है, अब माइट में लेकर शेष जो बच रहा है उसको लिख लो, क्या दिख रहा है, मे दैट ही माइट पास द बोर्ड एग्जाम, ये लो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंटरजेक्शन मार्क को हटा दो, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे एक सेंटेंस और ले लो। ठीक है, अब मैं इसको ध्यान दे, और सेंटेंस लिख सकते हो आप, अब देखो बच्चों ये अगला सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मेरे पिता ने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दीर्घायु हो। देखो क्या हुआ है, क्या किया है, डिजायर विश इच्छा डिजायर की है उन्होंने, प्रेट प्रार्थना की है। तो आप क्या करेंगे, माई फादर सेड टू किस में बदल गया, प्रेड में बदल गया। आगे समझे, प्रेड हो गया, इस मी को ब्रेकेट में ले सकते हो आप, ब्रेकेट लगा दो भले, दैट यू सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से आई में चेंज हो गया, मी को आगे ले लो, आई माइट ले लो। आगे समझ ले, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक और लीजिए आप सेंटेंस इस टाइप का, द हर्मिट सेड, सन्यासी ने कहा कि मैं ही गो टू द हेल, अब नरक में जाऊं। किसने कहा कि सन्यासी ने कहा, क्या कहा, कि मैं ही गो टू द हेल, आपने कहा मैं ही गो टू द हेल, या द हटा दो। तो ये आपने क्या कहा कि सन्यासी ने, देखो अच्छी कामना व्यक्त नहीं की गई है, हेल यानी नरक होता है बच्चों, तो बुरी कामना व्यक्त की गई है। तो आप क्या करेंगे, द हर्मिट
क्रस्ट किस, ये क्रस्ट में चेंज हो गया है, दैट ही आ गया, मे को आगे ले लो, माइट में चेंज हो गया, गो टू हेल, ये लो, ये इंटरजेक्शन मार्क यहां से हट जाएगा। ये जो इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ था यहां पर, ये आपका हट जाएगा। आगे समझ में बच्चों, तो आपको मे को माइट में बदलना है, इसके सेड या सेट टू को इसके भाव के अनुसार आप चेंज करोगे और लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क भी बदल दो। समझ में आ गया, उतार लीजिए अपने रजिस्टर में, मेंटेन करते हुए चलिए। तो देखो आगे हम अगले रूल्स की बात करेंगे। इसका एक रूल और है बच्चों, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका डायरेक्ट नरेशन। तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान दे बच्चों, आप ये करेंगे, अगला जो रूल बन रहा है, नोट लिखो आप, नोट लगा के लिख लीजिए आप, यदि आरएस का वाक्य या सेंटेंस, आरएस का वाक्य गुड बाय, गुड बाय या गुड नाइट, गुड बाय या गुड नाइट, यदि आरएस का वाक्य गुड बाय या गुड नाइट, गुड बाय या गुड नाइट से शुरू होता है तो सेड या सेट टू को बैड किसमें बदलेंगे आप, सेड या सेट टू को बैड में बदल दिया जाता है, बैड में बदल दिया जाता है। समझ में आ गई, ये लो नंबर दो। दूसरा देखो आप, यदि आरएस का वाक्य गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से शुरू होता है, से शुरू होता है तो आरवी के सेड या सेड टू को, आरवी के सेड या सेड टू को विस्ट में बदल दिया जाता है, विस्ट में बदल दिया जाता है। बच्चों ध्यान दो, देखो अब आपके लिए दो स्पेशली रूल आए हैं। ये कह रहा है कि यदि आरएस का वाक्य गुड बाय या गुड नाइट से शुरू होता है तो सेड या सेट टू को बेड में बदल दिया जाएगा। आगे समझ ले, यदि आरएस का वाक्य गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेट टू को वेस्ट में बदल दिया जाएगा। आगे समझ ले, तो ये आप रूल्स लिखते जाए अपने रजिस्टर में। तो पहले टॉपिक की अपन बात करेंगे, ध्यान दो, पहले टॉपिक क्या कह रहा है, रवि सेड, रवि ने कहा गुड नाइट, गुड नाइट माय अंकल। देखो ये सेंटेंस, रवि ने कहा कि गुड नाइट माय अंकल, तो उसने कहा अपने चाचा को गुड नाइट कहा, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। देखो इसके दो तरीके हैं बच्चों चेंज करने के, रवि सेड को किस में बदल दिया, गुड नाइट को देखकर बेड में बदल दिया, बदल दिया बेड, बेड में। अब यहां गुड नाइट है, इसको रवि बेड, ठीक है, इसको लिख दिया इसमें, रवि बेड हो गया गुड नाइट को देखकर, रवि बेड, बेड गुड डे, गुड नाइट, ठीक है।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां टू लगाना पड़ेगा बच्चों, टू माइक के साथ सब्जेक्ट के अनुसार ही जंगल हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, रवि बैड गुड नाइट टू ही जंगल, रवि ने अपने चाचा को अलविदा कहा। दूसरा तरीका और भी अपने पास, वो ऐसे चेंज होगा रवि बैड, आगे समझे, अब ये उसको यहां ले आओ ही जंगल, रवि जी बैड ही जंगल, अब आप गुड नाइट को आगे ले लो, ये लो गुड नाइट, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे बना लो। देखो दोबारा समझो, रवि ये गुड नाइट है इसलिए बैड हो गया, आगे समझ में गुड नाइट ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये लिखोगे प्रोनाउन चेंज करो सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन इससे पहले टू लगाना पड़ेगा, हिच हो गया अंकल आ गया, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका देखो, रवि ऐसा कैसा सेड बैड में बदल गया, अब उसको ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ, माई अंकल हिज अंकल हो गया और गुड नाइट को आगे ले लो, इसमें टू नहीं लगाना पड़ेगा, आगे समझे। अब देखो इसका एक एग्जांपल और है, वो मैं आपको और समझा देता हूं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन का, आगे समझे। अब देखिए बच्चों एक और लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ये हो गया और दूसरा एग्जांपल और देखो, आप लिखेंगे माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने कहा गुड मॉर्निंग, मेरे भाई ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, मेरे भाई ने मेरे को गुड मॉर्निंग कहा, तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, तो देखो ध्यान दें, माई ब्रदर देखो सेड टू किस में गया, गुड मॉर्निंग को देखो या विश्ड कर दो, माई ब्रदर विश्ड ये लो गुड मॉर्निंग, ऐसा कैसे लिख दिया। अगर आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, माई ब्रदर विश्ड मी ऑब्जेक्ट छोड़ दिया आपने, विश्ड मी गुड मॉर्निंग, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से आपका देखो ये टॉपिक पूरा हो गया बच्चों, ये आपका डायरेक्ट नरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपने 5 टॉपिक पढ़ लिए बच्चों, मेरे हिसाब से आपने पेशी वोइस का आपने पढ़ा, ठीक है, आपने डायरेक्ट नरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपका, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपने करेक्ट वर्ब पढ़ा, पेशी वोइस का टॉपिक पूरा कर लिया है और डायरेक्ट नरेशन का टॉपिक पूरा कर लिया। अब हम आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स बच्चों।